हाय कसम से मुझे पता है कभी कभी बड़ा दुख होता है। पता है हम लोग का देश भले ही आगे चला गया है लेकिन स्थिति दोस्तों स्टूडेंट की बहुत नाजुक है। पता है मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कभी कभी अपने स्टूडेंट्स की हालत देखकर। हेमंत, पेन कॉपी नहीं है मेरे पास। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, फोन पे पेन कॉपी नहीं है मेरे पास। फोन है तुम्हारे पास, पेन कॉपी नहीं है तुम्हारे पास। बहुत दिक्कत में चल लो तुम आजकल है। चलो उसको बताओ, अच्छा इसका आंसर लगाते हैं सभी लोग जान से। चलो रेडी स्टेडी, रेडी स्टेडी आंसर 30 सेकंड, देखते हैं कौन सही कर सकता है आंसर। पेन कॉपी नहीं है मेरे पास। दीप्ति प्रकाश, अच्छा दोस्तों दीप्ति का मैं आपको बता दूं, दीप्ति को अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट समझ रहे हो, नहीं दोस्तों दीप्ति स्टूडेंट नहीं है। आपके बीच में आप सोच रहे हो कि दीप्ति प्रकाश जो है वो आपकी स्टूडेंट है, आपके साथ वाली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली दोस्तों दीप्ति जो है वो स्टूडेंट यूनियन की नेता है और ये जो है एक तरह से पूरा लेखा जोखा रखती है हर चीज का, और जो भी चीज स्टूडेंट बोलता है उसको सही मीनिंग उसका लगा के और फिर हम लोग को समझाती है। दीप्ति वो है, क्या कह रही है? नहीं सर, उसका कहने का मतलब ये है कि उसके पास पेन कॉपी नहीं है अभी, मतलब कि वो हॉलीडे पे है। मतलब दीप्ति ने उसके सही जो अर्थ था उसको अपन को बताया। तो ये आप लोगों की स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट यूनियन की नेता है, ये लीडर है और ये आप लोगों की बात को स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखती है। तो अपनी जो भी बातें हैं वो दीप्ति को आप बता सकते हो, ठीक है? चलिए इधर आइए। पूरी क्लास में खाली दीप्ति समझ पाएगी उसका मतलब था क्या।